नमस्कार, स्वागत है आपका ब्लॉग आउट में और मैं हूँ आपके साथ शिप्रा। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको घर की ही चीजों से बहुत ही जानदार शानदार फेशियल करके दिखाऊंगी। आप सोच रहे होंगे घर की चीजों से फेशियल पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने पहले भी आपको करके दिखाया है और आज जो है काफी इजी सा फेशियल है। देखिए, अगर आपके को कहीं पार्टी में जाना है, घर पे कुछ फेस्टिवल है या कुछ भी आपके यहाँ पर है और आपको आप चाहते हैं कि स्किन की केयर नहीं हो पा रही है, डलनेस स्किन पे आ रही है, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से आप स्किन की केयर कर सकते हैं, फेशियल कर सकते हैं, वो भी घर की ही चीजों से। तो देखिए, फेशियल करते हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सबसे पहले स्क्रबर करना पड़ता है। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया है कि स्क्रबर के लिए आपको क्या करना है, आप चाहे तो मार्केट के स्क्रबर भी इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन जब हम होम रेमेडी का इस्तेमाल करते हैं तो हम होममेड चीजों का ही इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो चावल का आटा रहता है या चावल को आपको दरदरा पीस लेना है, या फिर अगर आप चावल भी आपके यहाँ पर चावल आपको लगता है कि आप कौन पीसे क्या करे, तो आप क्या करें, थोड़ी सी सूजी लीजिए, सूजी में हल्का सा दूध डालिए, कच्चा दूध डालिए और उससे आप अपने चेहरे को क्लीन कर लीजिए। इतना बढ़िया स्क्रबर होता है। एक्चुअली मैं स्क्रबर पहले कर चुकी हूँ, इसलिए डायरेक्ट आपको आगे की प्रोसेस कैसे करनी है वो बता रही हूँ। बहुत ही अच्छा सा आपके लिए फेस मास्क रेडी कर रही हूँ जो फेशियल वाला आपको यहाँ पर निखार देगा और काफी इजी सी प्रोसेस है, काफी इजी सी चीजें हैं। हाँ, इसमें एक चीज जरूर है जो शायद घर में मौजूद नहीं रहती है, मेरे यहाँ तो बच्चा है इसलिए चॉकलेट इजीली घर में अवेलेबल रहती है। अगर आपके पास नहीं है तो मार्केट से जाके चॉकलेट पाउडर या चॉकलेट लेके आ जाइए और उसके साथ कैसे आपको ये पैक रेडी करना है, चलिए वो आपको दिखा। देखिए, आपको किन किन चीजों की इसके लिए जरूरत पड़ेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया है, पहला जो है पहली स्टेप है कि आपको अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लेना है। आपको क्लिंजिंग मिल्क या फिर रवा या सूजी जिसे आप बोलते हैं या फिर चावल के आटे से अपने अच्छे से अपने स्किन को स्क्रब कर लेना है। उसके बाद आपको पैक बनाने के लिए क्या क्या लेना है, यहाँ पर मैंने लिया है चॉकलेट पाउडर। आपको इजीली मार्केट में चॉकलेट पाउडर मिल जाएगा, आप कहीं भी जाएंगे चॉकलेट पाउडर इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने लिया है चॉकलेट पाउडर, यहाँ पर मैंने हाफ टेबल स्पून के लगभग लिया है, यहाँ पर मैंने बेसन और ये मैंने 1 टेबल स्पून के लगभग लिया है दही। दही फ्रेश होना चाहिए। अब और साथ ही साथ मैं इसमें लेमन ऐड करूंगी और साथ ही साथ मैं इसमें शहद ऐड करूंगी। थोड़ी सी चीजें ज्यादा ऐड कर रही हूँ लेकिन ये आपको निखार भी उतना ही ज्यादा देगा। चलिए बनाते हैं किस तरह से इस पैक को रेडी करना है आपके साथ शेयर। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है चॉकलेट पाउडर है, इसका मेन इंग्रेडिएंट ही चॉकलेट पाउडर है। चॉकलेट से बहुत ही अच्छे से आपके चेहरे पर निखार आ जाता है। यहाँ पर ले रही हूँ दही। दही तो आप सभी लोगों को पता है कि स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। ले रही हूँ बेसन, बेसन को मैंने लिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर मिला लेती हूँ मैं शहद, शहद को हमने ऐड कर लिया है यहाँ पर और हल्का सा हम यहाँ पर मिलाएंगे लेमन बस। और आपका ये जो DIY है अमेजिंग सा एकदम से रेडी हो गया है। ये देखिए, इस तरह कुछ इस तरह से इसका टेक्सचर आता है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। देखिए, इसे आपको लगाने के लिए क्या करना है, पहले फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है। मैं हाथों की ही मदद से इसे लगा रही हूँ। इसकी खुशबू भी बहुत बहुत चॉकलेट, क्योंकि जिन लोगों को चॉकलेट पसंद है उसको उनकी खुशबू भी पसंद है। मुझे चॉकलेट पसंद है इसलिए मुझे ये जब भी मैं लगाती हूँ मुझे इसकी इतनी प्यारी खुशबू आती है, एकदम चॉकलेटी चॉकलेटी। जब आप स्क्रब करें तो नोज एरिया में अच्छे से स्क्रब कर लें ताकि ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स जो है वो आसानी से निकल जाए। आप चाहें तो ब्रश की मदद से भी इसे लगा सकते हैं। बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं आपसे मिलती हूँ 10 मिनट बाद एक अच्छे से चमकदार चेहरे के साथ। तो चलिए मिलते हैं 10 मिनट बाद। तो देखिए, मैंने फेस को वॉश कर लिया है, बहुत ही अच्छे से सॉफ्टनेस फेस पर दिखाई दे रही है। काफी जल्दी ये वर्क करता है फेस पर और एकदम फेशियल जैसा निखार आ जाता है। अभी फिलहाल मैंने मॉइस्चराइजर भी अप्लाई नहीं किया है फेस पे, तो मैं इसके बाद लगाऊंगी मॉइस्चराइजर और
देख सकते हैं बहुत ही इजी सी प्रोसेस में बहुत ही जल्दी आपका फेशियल डन हो गया। इतनी जल्दी तो पार्लर में जाके भी आप रेडी नहीं हो सकते, पार्लर में भी आप इतनी जल्दी फेशियल नहीं कर सकते, तो इसे जरूर 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 ट्राई कीजिए। काफी अमेजिंग सा रिजल्ट ये देता है और इजी सी प्रोसेस है। ट्राई करने में क्या जाता है, घर की ही चीजें हैं, एक बार ट्राई कर जरूर देखिएगा कि आपके फेस पर ये कैसे असर दिखाती है। और आप प्लीज मेरे साथ शेयर भी कीजिएगा कि जब आपने इसे लगाया तो आपको किस तरह से कैसा असर आपके फेस पर आपको लगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाना मत भूलिए जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगी मैं, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।